हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं नए तरीके की लिट्टी चोखा बताने जा रही हूं, जिसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जिन जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं पहले बताने जा रही हूँ। पहले आप गेहूं का आटा लेंगे, 2 कप बड़ा कप से गेहूं का आटा ले लीजिए, 1.5 कप आप सत्तू ले लीजिए। अब आटा में मिलाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं पहले बता रही हूँ। नमक लेंगे, अजवाइन लेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे, हल्का काला नमक लेंगे और ये घी लेंगे, या आप घी की जगह आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये जो मैंने जो फिलिंग्स मैं तैयार करूँगी इसमें भरने के लिए, जो सत्तू में जो मिलाना है उस सत्तू में हमें क्या क्या मिलाना है वो थोड़ा देख ले रहे हैं हम लोग। सत्तू में हमें मिलाने के लिए नमक लेंगे, फिर अजवाइन लेंगे, ये नींबू का रस है, 2 चम्मच नींबू का रस लेंगे, अचार का मसाला लेंगे, देखिए ये अचार का मसाला 2-3 चम्मच आप ले लीजिए, ये सरसों का तेल लेना है 2-3 चम्मच 4 चम्मच जो भी आप अपना हिसाब से जितना आप पसंद करेंगे। अब ये लहसुन को कद्दूकस किया हुआ मैंने लिया है और ये चाट मसाला लेना है। आप प्याज अगर खाते हैं तो प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च लेनी है कट किया हुआ है और ये धनिया पत्ती लेनी है, बस इसमें इतना ही सामान लेना है और इसमें हम मिलाएंगे। अब चोखा बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो अब हम लोग देखते हैं। चोखा बनाने के लिए पहले तो एक बड़ा वाला बैगन लेंगे, ये सॉफ्ट वाली बैगन आपको एकदम लेनी है, एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए बैगन। 1 टमाटर ले लेंगे, 2 उबले हुए आलू लेंगे। अब इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये प्याज का टुकड़ा थोड़ा काट लेंगे और वो भी इसमें डलेगा, प्याज भी डलेगी, थोड़े हरी मिर्च डलेगी और थोड़ी सी धनिया पत्ती डलेगी इसमें, 2 गोटा हरा मिर्च लेना है और 4 गोटा लहसुन लेना है। और अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे, पहले चोखा तैयार करेंगे। चोखा बनाने के लिए पहले ये बैगन लेंगे और बैगन को इस तरह से कट कर लेते हैं, हल्का सा कट कर ले। पहले तो इस बैगन को आप चेक कर लीजिए हल्का सा कि बैगन ठीक है, देखिए बैगन बहुत अच्छी है। अब हम इसमें हल्का सा कट यहाँ करते हैं थोड़ा थोड़ा। अब ये जो मैंने लिया है लहसुन इसमें डाल लीजिए, इस तरह से इसमें आप डाल लेंगे, सारा लहसुन को डाल लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे, इसे हल्का सा कट कर लेना है दूसरी तरफ भी। और इसमें ये मिर्च, हरा मिर्च इस तरह से इसे प्रेस करते हुए इसमें आप डाल देंगे, जितनी आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से आप मिर्च ले लीजिए। अब हम इसमें ये थोड़ा तेल लगा देंगे, थोड़ा तेल, सरसों का तेल लगा दिए हैं ताकि ये ऊपर से ज़्यादा जले नहीं और आराम से इसका छिलका उतर जाए, तो हमें ये हल्का सा तेल लगा देना है। और उसी तरह से जो मैंने टमाटर लिया है उसमें भी हल्का सा तेल लगा देना है और इसे गैस पर पकाना है और उसमें जाली रख करके, पहले इस गैस का ऊपर जाली रख करके इसे पका लेंगे हम लोग। तो मैंने इसे पका के रखा हुआ है जाली में, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए मैंने इसे पका के रखा हुआ है, ये बैगन को भी मैंने पका लिया है जाली में, गैस के ऊपर जाली रख करके ये दोनों को पका लिया है। और ये आलू को, उबला हुआ आलू लेना है और ये तीनों को हमें पहले मिलाने से पहले सबका छिलका को पहले हम लोग उतार लेंगे। देखिए मैंने इसे छील लिया है अच्छी तरह से, इसका ऊपर वाला जो था
वो निकाल लिए हैं इसका सारा छिलका को। अब हम इससे इसका चोखा बनाएंगे। इसके चोखा बनाने के लिए ये दोनों ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये चोखा मैंने ये जो लिया है इसका पीछे वाला काट लिया है मैंने, इसका डेंटल जो था, अब उसे इसे ले लेना है। अब इसमें नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार, स्वाद के अनुसार जितना आपको चाहिए स्वाद अनुसार आप ले लीजिए। इसमें काला नमक ले लेंगे थोड़ा सा, ये हरी मिर्च हल्का लेनी है क्योंकि उसमें आपने देखा था मैंने हरी मिर्च उसमें डाल लिया था, बैगन में डाला था उसमें। अब इसमें थोड़ा सा कच्चा प्याज लेना है, कट किया हुआ है, देखिए मैंने प्याज डाल दिया। अब इसी तरह से इसमें हल्का धनिया पत्ता डाल दीजिए और अब हम इसमें तेल डालेंगे, तेल हल्का तेल, हल्का जो मैंने कद्दूकस किया हुआ था लहसुन वो डाल लेंगे और हल्का चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर ले लेंगे और अब हम इसे पूरी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने इसे मिला लिया अच्छी तरह से, अब ये हमारी ये चोखा रेडी है। अब हम इसमें भरने के लिए, आटे में भरने के लिए एक लिट्टी का के लिए जो फिलिंग्स तैयार होती है वो मैं तैयार करूँगी। इसमें इसके लिए मैं जो सत्तू ली हुई हूँ उसको लेना है आपको, सत्तू लेना है, ये जो हम अचार मसाला लिए हैं ये पूरा ले लीजिए आप, ये नींबू 2 चम्मच लिया है मैंने वो डाल लें, ये तेल लिया हुआ है इसे 2 चम्मच या 3 चम्मच डाल लीजिए, ये प्याज लिया हुआ है आप, ये ऑप्शनल है, ये आप डाल भी सकते हैं अगर आपको पसंद है, नहीं तो आप बिना प्याज का भी बना सकते हैं, तो ये आप डाल लें इसमें, ये डाल लिया मैंने। इसमें जो मिर्चा लिया हुआ है ये सारा हरा मिर्च ले लेना है और ये धनिया पत्ती सारा ले लेंगे, जमाइन थोड़ा सा जमाइन लेंगे, और काला नमक जो मैंने लिया हुआ है वो इसमें आप डाल लें, ये कद्दूकस किया हुआ है लहसुन ये आप ले लीजिए और आप अदरक का भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, तो इसमें जिंजर गार्लिक का इसमें हल्का पेस्ट पड़ता है और काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, इसका स्वाद यही इसका स्वाद बढ़ाने का काम करता है, इसलिए आप जितना ले सकते हैं इसे जिस अमाउंट में आप पसंद करते हैं उतना अमाउंट में आप ले सकते हैं। और ये चाट मसाला मैंने लिया हुआ है ये आप डाल लें इसमें पूरा चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर पूरी तरह से डाल लें इसमें। अब इसमें स्वाद अनुसार हमें सफ़ेद वाला नमक लेना है। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे, देखिए ये मैंने इसमें इससे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब ये लिट्टी में भरने के लिए वो जो फिलिंग्स उसका तैयार हो गया है फिलिंग, अब हम आटा तैयार करेंगे। देखिए डो बनाने के लिए जो मैंने आटा ली हुई थी लिया हुआ था वो ले लेना है आपको, आटा लेकर के उसमें घी डाल लीजिए, बेकिंग सोडा डाल लीजिए 1 चम्मच, ये अजवाइन डाल लीजिए, ज़्यादा इसमें अजवाइन का जरूरत नहीं, हल्का डालेंगे हो जाएगा, नमक डाल लेंगे, अब हम इसे अच्छी तरह से इसका डो तैयार करेंगे जैसे कि हम लोग पराठा के लिए डो तैयार करते हैं उस तरह का। देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है आटे का, अब इसे हम 10 मिनट इसी तरह इसे छोड़ देंगे, 10 मिनट के बाद हम इसे रेडी करेंगे इस लिट्टी बनाना। देखिए ये इसका 10 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया है, अब इसका लिट्टी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसका थोड़ा छोटा छोटा गुली लेंगे, इस तरह से बॉल्स ले लेंगे इसका छोटा छोटा, देखिए इस तरह से बॉल्स जो लिए थे मैंने इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर लिया और बीच से इसे इस तरह से करना स्टार्ट करिए। अब हम इसमें ये फिलिंग्स को
ये फीलिंग को देखिए मैं भर रही हूँ इसमें। अब इसे इस तरह प्रेस करते हुए इसे इसका मुंह को आप इस तरह से क्लोज कर दें और इस तरह से करके मैं सारा लिट्टी रेडी करूँगी। पकाऊंगी, पकाने के लिए आप जाली भी यूज़ कर सकते हैं, जाली में भी पका सकते हैं। और मैं यहाँ अपम पैन का यूज़ कर रही हूँ, तो अपम पैन के लिए सबसे पहले आपको उसमें घी डालना है। सभी में घी डाल लीजिए। और अब हम उसमें एक एक करके ये बॉल्स को डालेंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे ताकि वो सारा घी उसमें आराम से अच्छी तरह से लग जाए। देखिए ये अपम पैन में देखिए कितनी अच्छी तरह से पकी है हमारी लिट्टी। देखिए इसमें आप हल्का हल्का घी डालते जाइए, ऊपर ऊपर हल्का हल्का घी सारे में डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा घी पसंद करते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे फिर इस तरह से घुमाते जाइए, देखिए कितनी अच्छी लिट्टी पक रही है और ये काफ़ी टेस्टी होती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। देखिए ये लिट्टी तो हमारी पक गई है। अब हम आपको दूसरी तरह से लिट्टी बनाना बता रहे हैं। तो ये तो पहली लिट्टी हुई, दूसरी लिट्टी हुई कि जैसे आप कोई भी जाली में रख करके इसे आप पका सकते हैं, जैसे ये पक रही है उसी तरह जाली में रख के पकेगा ये। खाली उसमें है कि ऊपर से तेल वेल नहीं डालना, घी भी नहीं डालना है। तो इस तरह से मैंने जाली में रख के इसी तरह की लिट्टी बनाने जा रही हूँ। तीसरी तरह की लिट्टी के लिए आप तो पहले कढ़ाई में पानी को गर्म करना है और उसे भाप जब निकलने लगे तो उसमें लिट्टी बना के इस तरह से आप उसमें डाल दीजिए। इस तरह से इसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए। अब इसे डालिए, फिर इसे भी हल्का प्रेस कीजिए और इसे डालिए। जब ये पानी के ऊपर तैरने लग जाए तब हम ये समझेंगे कि ये लिट्टी पक गई है, तो उसके बाद हम इसे उतारेंगे। तो उसके पहले हम इसे 5 मिनट इसे ढक देते हैं। देखिए ये पूरा ऊपर आ गई है, देख रहे हैं, अब ये पक चुकी है पूरी तरह से। इसे पानी में पहले आपको पूरा ये कर लेना है, उबाल लेना है, उसके बाद अब हम इसे निकालेंगे। एक एक करके निकाल लेते हैं। देखिए ये मैंने निकाल लिया है एक एक करके और मैं जिस तरह से बना रही हूँ आप उसी तरह से ट्राई कीजिएगा। ये काफ़ी टेस्टी होती है और काफ़ी क्रिस्पी बनती है ये और बहुत ही सॉफ्ट रहती है, मतलब हर लिट्टी से ज़्यादा इसमें स्वाद रहता है। तो मैं इसलिए ये तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ। तो इसमें इस तरह हमने निकाल लिया है। अब पैन में थोड़ा तेल ले लेंगे, तेल गर्म कर लेंगे और अब इसे एक एक करके इसमें डालेंगे। एक करके इसे आप पूरा डाल देंगे हम। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए ये लिट्टी पक चुकी है। ठीक है, लिट्टी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, देखिए कितनी अच्छी लिट्टी बनी है। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है। और ये पहली लिट्टी और ये दूसरी जो मैंने अपम पैन में बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही अच्छी है और ये काफ़ी टेस्टी भी होती है। तो आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। ये 2 तरह की मैंने लिट्टी बनाई है और 1 तरह का लिट्टी जो है वो आप जाली में बना सकते हैं, बस इसको ही बनाना है जाली में रख करके और कुछ नहीं। और ये दोनों फेमस लिट्टी है, आप इसे जो ट्राई करें और हमें जाके बताएं कि आपको कैसा लगा। और ये मैंने चोखा जो तैयार किया था, ये चोखा रेडी है। चोखा के साथ इसे आप सर्व करें और दूसरा जब इस लिट्टी को खाएं तो इसे बीच से जब इसे इस तरफ कट करें और इसे भी बीच से हल्का कट करें और उसके बाद इस पर घी, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो घी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, इस तरह से घी इसमें डाल दें और उसके बाद इसे आप सर्व करके इसे चोखा के साथ सर्व करें। ये काफ़ी टेस्टी होती है। तो अब हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये इसका टेस्ट। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।